अनिल जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ठीक सामने झंडा आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया, इतनी मदद की, इतनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद। इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। जब हमने ये शुरू किया कन्याकुमारी में यात्रा शुरू की तो मैं सोच रहा था कि नफरत को ऊपर नीचे और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है, मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, हमारी बात नहीं उठाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए ये जो यहां खड़े हैं इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, जानते लगान लगी है, मगर इनके जो चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा, 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है, ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है, इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है गोदी मीडिया, पीछे जो शक्ति है वो कर रही है, तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है। जब सच्चाई है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है, 90% लोग इस देश से एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है। तो सवाल उठता है, ये जो मीडिया के लोग हैं, ये नहीं जो इनके पीछे हैं,
कभी पूछा अपने आप से कि मीडिया 24 घंटा कभी कभी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे? कभी आपने देखी है, कभी टीवी में देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? सही बात है ना? सही है, सही बात। कभी नहीं दिखेगा इसका कारण है भाई और बहनों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से बोल दिया किसी का कभी जेब काटा गया है? यहाँ पे जेब काटा गया, जेब काटा जाता है, आप तक काटा गया ना? तो जब कोई आपका जेब काटता है तो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? ध्यान बट जाता है। पहले वो आपके ध्यान को किधर करता है? आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। किसानों का, मजदूरों का, आपके आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। अडानी अंबानी इनको कौन चलाते हैं, नाम बताओ? किलोमीटर मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूँ 24 घंटे में चला जाए। ये हो रहा है इस देश में, तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनकी ओर जाना चाहिए। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा मैंने इंजीनियरिंग की, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा, मैंने आईएएस के लिए तैयारी की, मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था। पूछो क्या किया, पढ़ाई की, कितने साल की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ? आज क्या करता हूं? मजदूरी करता हूं, पकौड़े बनाता हूं। बेरोजगारी क्यों आई मैं आपको बताता हूं। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, हम लोग कह रहे थे क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे व्यापारी हैं और स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं, ये लाखों में हैं, और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 35 को देता है, और ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अब इनकी बात करते हैं।